तरह के बाद हम लोगों ने अहम ब्रह्मास्मि के रूप में संस्कृत फिल्म बनाई है, जो संस्कृत ने सबको दिशा दी, यानी हिंदुस्तान के से लेके बाहर तक, जिस जो हमारा कल्चर था, हमारा जो परंपरा थी, हमारी चीज़ें जो बाहर गई हैं, जो वही संस्कृत आज लुप्त होती जा रही है। लोग प्रयोग कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जर्नल से लेके कहाँ कहाँ जर्नल से हर जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि है, संस्कृत भाषा बाहर आए। लेकिन हमने उसको एक आसान तरीके से पेश किया, जब तक सामान्य बोलचाल की भाषा, जैसे संस्कृत का शब्द है अस्तोमा सदगम है, तमसोमा ज्योतिर्गम है, मृत्यु और महामृतम गमया, यानी असत्य सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, ये जिंदगी सबको देने वाले संस्कृत आज खुद लुप्त अवस्था के अंदर है। तो मैंने कहा कि जब हमने प्लान किया, जब फिल्म राष्ट्रपति बनाने के दरम्यान ये सोचा कि हम नया क्या करें, जो जिससे राष्ट्र का राष्ट्रवाद हो, सनातनता हो, अपनी पुरानी चीज़ों को मान्यता देने वाली जो सबसे मूल विचारधारा की चीज़ जो है वो क्या है, तो संस्कृत के तहत में हम बनाई संस्कृत पिक्चर। चाहता हूँ कि विश्व के कोने कोने में संस्कृत पहुँचे, हम तमिल तेलुगु प्लस उनकी भाषा फिल्म देखते हैं, इंग्लिश देखते हैं, फ्रेंच देखते हैं, जर्मन देखते हैं, ये सब देखा जाए कि हिसाब से कठिन भाषा है, सबकी जननी है, देव भाषा संस्कृत, उसे पिक्चर बना के लोगों तक पहुँचाने मैंने कोशिश की है, जो अगले लेके आएंगे, इसलिए सब आप आज बैठे हैं हम लोग। ओके, संस्कृत जो भाषा है लगातार वो खत्म होती जा रही है, अगर आप देखें इसको कम उपयोग किया जा रहा है, अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? जिनके पास जो है वो देता है, जो मेरे पास है मैं आपको दूंगा, जो आपके पास होगा वो मुझे आप दोगे, तो अपनी चीज़ों को सामने वाले के सामने रख के उसे बेहतर तरीके से पेश करोगे तो अपनी चीज हर जगह जाएंगी। मूल भाषा है विश्व की संस्कृत, देव भाषा है संस्कृत, सारी भाषाओं की जर्नी संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन तो बाद में आई भाषाएं हैं जो आज की तारीख हम पर थोपी जा रही है। हम उसका चाहे लॉर्ड मैकाले की पद्धति शिक्षा किसी शिक्षा पद्धति का विरोध नहीं करना है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, भारतवर्ष में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति हावी, उसने काम किया संस्कृत को समाप्त करने के लिए, कई भाषाओं का जिसका लोगों ने निर्माण निर्माण किया ताकि संस्कृत पीछे आए, गलती है संस्कृत वहाँ जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं। संस्कृत को तो सर जो देखते चले आ रहे हैं कि संस्कृत का कभी कभी एक सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता था स्कूलों में और उतनी महत्व दी नहीं जाती, तो आपने फिल्म में क्या मैसेज मतलब इस तरह का दिया है? मैं चाहता हूँ कि परिवारवाद, आदमी अपने पूर्वजों का सम्मान करें, वर्तमान में ही हम जो काम करते हैं आने वाले कल की बुनियाद बनती है, हम भविष्य को लेकर चले उसकी बुनियाद में संस्कृत हो, संस्कृत चाहे वाल्मीकि रामायण हो, जितनी पुरानी चीज़ जितनी बहुत सी चीज़ें कहने की जरूरत है, सब मूल उसी भाषा में लिखी गई है, तो हमको अपने मूल को जानना होगा आगे जाने के लिए, जब तो मूल जाने के लिए हमारे पिता कौन, हमारा दादा कौन, हमारा परदादा कौन, तो हमको उसी परंपरा को आगे ले जाने के लिए पुरानी बुनियाद को आगे रख के रखना है, तो पुरानी भाषा संस्कृत को लेके जाना है, संस्कृत को के उत्थान के लिए, संस्कृत को दोबारा स्थापित करने के लिए मैंने फिल्म का निर्माण किया अहम ब्रह्मास्मि। सक्सेस ने बनाया नहीं, मैं चाहता हूँ कि लोगों के जागरूकता पैदा हो भाषा को लेकर। आज मैं एक अकेला व्यक्ति का काम कर रहा हूँ, आने वाले कल में सैकड़ों लोग पैदा हों, सैकड़ों आज़ाद पैदा हों, सैकड़ों लोग पैदा हों जो फिल्म को आगे ले जाएँ, भाषा के प्रति कुछ अपने अपने कर्तव्य निभाएँ। अभी तो संस्कृत कई भाषा में काम कर रहा हूँ मैं, संस्कृत फिलहाल लेके आ रहा हूँ, तो संस्कृत बात करते हैं हम। दिक्कत तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, संस्कृत में काम करना की जो सामान्य बोलचाल भाषा नहीं है, तो एक शब्द वादे वादे जाते तक तो वो था, तो हम वाद विवाद से तत्व का बोध होता है, हम कुछ चर्चा करते हैं, निष्कर्ष पहुँचते हैं, तो उसके लिए जरूरी था एक फिल्म, जरूरत था एक कंसेप्ट, जरूरत था एक टीम, कमियां सब में हुई लेकिन मेरी मेरा लक्ष्य देख के, मेरी ऊर्जा देख के, प्लस सबके लोगों की भावना पैदा हुई कि संस्कृत में काम करना चाहिए, जो आज तक किसी ने किया, 3-4 फिल्म बनी है लेकिन थिएटर में आई नहीं है, विश्व में पहली फिल्म है जो थिएटर में रिलीज होगी, वो है हम ब्रह्मास्मि। कुछ चीज़ें लोगों ने बनाई लेकिन कहा है पता नहीं, तो कुछ अवार्ड के लिए बनाते हैं, अवार्ड चक्कर नहीं मिल, चाहता लोग जागरूकता पैदा हो संस्कृत को लेकर, लोग कुछ तो सोचे, यही फ्लॉप से ऊपर की फिल्म है, मैंने एक प्रयत्न किया, कोशिश किया कि लोगों तक भाषा पहुँचाऊँ, और कुछ दिनों की बात रहेगी अगले महीने पिक्चर रिलीज करेंगे हम लोग। जैसे कि संस्कृत किस आधार पर बनी है फिल्म, किस विषय पर आपने लेके बनाई है? राष्ट्रवाद पे, सनातनता पे। संस्कृत की बात करेंगे तो हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा है, आर्यभट्ट या जम्बूद्वीप के जमाने की, वो परंपरा को टच करने की कोशिश की है, बुनियाद तो ही है अपनी, हम जब तक पीछे जाएंगे नहीं तो संस्कृत जन्म नहीं होगा, जहाँ संस्कृत आई तो जाहिर है कि उसके पीछे जो हिंदुस्तान के निर्माण में जितने लोगों का योगदान था उन सारे लोगों को टच करने की मैंने कोशिश की है। सर, इसमें जो आपने आर्टिस्ट जो लिया है, ठीक है, उसको कितना टफ हुआ होगा सर? सबको दिक्कतें सबको हुई है,
कहीं कुछ जैसे तमिल तेलुगु में कई तरह की भाषा करते नहीं करते लोग काम करते हैं, लेकिन काम करने में उनको हृदय से काम करने की उनकी इच्छा थी कि अच्छा काम करें, अच्छी पिक्चर बनी। अब तो कुछ दिनों बाद रहेगी, अगले महीने आएंगे। मतलब किसी बाकी जो लोग हैं आर्टिस्ट जो हैं, तो उसका किसी का आवाज़ भी डब हुआ, मतलब जिसको नहीं आ रही होगी संस्कृत? कुछ कुछ जगह हमने वर्कआउट कुछ किया हम लोगों ने, पिक्चर देखने आपको जानकारी होगी कि जो ऊर्जा मेरी थी या जो इच्छा मेरी थी तो उसमें लगभग सभी लोगों ने योगदान दिया है। जहाँ कुछ कमी आ रही है तो पूरा किया हम लोगों ने अलग अलग तरीकों से। जैसे कि राष्ट्रवाद पर है, क्या आपका कोई मकसद है, कोई मंत्री जी या कोई बड़े नाम आए आपकी फिल्म के लॉन्च? क्या इनों से क्या मतलब है? मतलब आप कोई लाने की कोशिश है कि लॉन्च के दिन? मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग जुड़े जो संस्कृत के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। मैं चाहूँगा जो भी आदमी आए, जो भी लोग हमारे इस कंसर्ट जुड़े, इस विषय से जुड़े, वो इसको दूर तक लेके जाएं। दूर तक ले जाने वाले लोगों को जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। इसकी शूटिंग कहाँ हुई सर, मूवी की पूरी? दिल्ली हुई है, नेपाल हुई है, हमने झांसी शूट किया है, लखनऊ शूट किया है, महाराष्ट्र शूट किया है, और यहाँ भी शूट किया है, मुंबई के अंदर भी कई जगह शूट हम लोगों ने किया है। वो सब के जो जहाँ जहाँ जिस कंसेप्ट की जरूरत थी वहाँ हम लोग गए। सॉन्ग कुछ होंगे सर इसके अंदर? हाँ है ना, चार गाने। किस टाइप के सॉन्ग होंगे? अच्छे हैं, मतलब एक राष्ट्रवाद से उत्प्रोत गाना है। बाकी जो फिल्म है, फिल्म के ऊपर कुछ कहना ठीक नहीं होगा, कुछ दिनों बाद रहेगी, अगले महीने रिलीज़ कर रहा हूँ मैं। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखें, बढ़ावा दें, आपको सब कुछ चाहिए, तो अपनी जो बुनियाद, अपनी परंपरा है, जो पारिवारिक परंपरा पालन करते हो, किसी प्रॉपर्टी चाहिए, जायदाद चाहिए आज की तारीख में, तो संस्कृत भी आपकी जायदाद है, उसको रक्षा करिए, उसको बढ़ाइए। सर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं होसा मेटर का स्टूडेंट हूँ, तो बचपन से चाहता था कोई ऐसी चीज़ों करूँ जो आज की तारीख में लोग नहीं करना चाहते हैं, उसको जाते नहीं चाहे, व्यावसायिकता के कारण से, जो भी कमर्शियल के कारण ज़्यादा होता होगा, तो कोई एक व्यक्ति होगा, कोई तो कुछ करेगा जो उस पुरानी परंपरा को दोबारा लाने की कोशिश करेगा, उसी की देन है अहम ब्रह्मास्मि।